हे हाय एवरीवन। सभी ने अपना रिजल्ट देखा, IBPS PO एज वेल एज क्लर्क का। ठीक है, तो मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि ठीक है, इट्स ओके। आज मैं सबको बधाई देता हूँ कि भाई आप सभी लोगों का एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स से भी बात की जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऑन कॉल पर मैंने बात की, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा था ना, तो उनकी आवाज़ से लग रहा था कि हाँ, दुख है। और ऑफकोर्स दुख होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कभी कभी कि मैं ऐसे स्टूडेंट से मैंने बात की जिनकी मैं पढ़ाई पे कोई शक नहीं कर सकता, ठीक है ना। कि मतलब हाँ यार, जब भी ये लाइव क्लासेस में आते थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता था, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर वो मीनाक्षी मैम की ही क्यों ना क्लास हो क्वांटम में, ठीक है ना। तो एक चीज़ बस मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए, मेरा एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है, जो सक्सेस नहीं पाए इस बार, एग्ज़ाम में फेल हो गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। एक बात बस बोलूँगा, तुम लोगों ने भुवन बाम को तो जानती होगे, मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। उसका रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो छोटा सा उसमें क्लिप था, उसने ये कहा कि उसकी लाइफ का एक मंत्रा था, ट्राई करके देखते हैं। कुछ भी होता था, फेल होता था, कहते थे फिर से ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, दैट्स इट। एक मंत्र, ट्राई करके देखो। हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं यार, हम ये सोचते हैं कि ना ट्राई करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं यार फेल हो जाएंगे, यार फिर से तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या। तो पहले हम लोग निगेटिव साइड्स देखते हैं। अगर पास हो गए तो ट्राई करके देखते हैं, अगर पास हो गए तो क्या, उसकी खुशी अलग ही होगी, है ना। तो इस बार भी मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा कि ट्राई करके देखो, क्या पता निकल जाए, है ना। तो 2023 आपका है, आपको एक फिक्स्ड चीजें सोच के चलनी है कि भाई ये तो आना है नोटिफिकेशन, इसको तोड़ना है इस बार कैसे भी करके। अपनी कमजोरियों को देखो कि तुमने क्या क्या गलतियां की। जैसे मैंने सोनू से बात की, सोनू कुमार मेरी क्लास में आता है, मेरा पेड बैच में भी है। ऐसा नहीं कि मेरे पेड बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अंकिता मुखर्जी, रिसेंटली आपने इंटरव्यू देखा, उसका सिलेक्शन हुआ है, अभिषेक का हुआ है, मोहित का हुआ है, काफ़ी लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे बैच से। सोनू कुमार आता है लाइव क्लासेस में, लेकिन उसकी पढ़ाई पे मैं शक नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी। राकेश बोरा सब लोग जानते होंगे, सब अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ गलतियाँ की जो कि अब मैं उन लोगों से यही बोला कि ये ट्राई करो, इस बार डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी हमेशा सक्सेस स्टूडेंट्स की नहीं बात करनी चाहिए, फेल भी होते हैं स्टूडेंट, उनके को भी, उनके भी दर्द को सीख समझो। बस मैं यही बोलूँगा तुम लोगों से, मेरे बच्चे, गाइडली पे भरोसा रखो और इस बार फिर से ट्राई करके देखो, दैट्स इट, ठीक है। बस यही बोलूँगा, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। 2023 के किसी भी बैंक एग्जाम में होता है, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कभी आके बताना कि हाँ सर देखो आपने कहा था ट्राई करके देखो, निकल गया, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।